बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मुबश्शिर महमूद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यर्फ टीवी। मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है जो नॉर्वे का स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, नॉर्वे नॉर्थ यूरोप का एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। रकबे के लिहाज से ये बहुत बड़ा लेकिन खुशहाल मुल्क है। इसकी कुल आबादी 54 लाख है, जिसमें 1,70,000 के करीब मुस्लिम आबाद हैं, जिनमें से 20,000 के करीब पाकिस्तानी हैं जो कि ज़्यादातर जहलम से बिलोंग करते हैं। 200 के करीब इसमें मसाजिद हैं। इस्लाम इसका दूसरा बड़ा मज़हब है। अगर इसके बॉर्डर की हम बात करें तो डेनमार्क, फिनलैंड, रूस के साथ इसकी सरहदें मिलती हैं और स्वीडन के साथ भी इसकी एक सरहद मिलती है। तो अगर इसके वीज़ों की बात करें हम, तो इसने पाकिस्तान के लिए 3 तरह के वीज़ा प्रोग्राम जारी किए हुए हैं। और अगर इकॉनमी की बात करें तो इसकी इकॉनमी दुनिया के 24वें बड़े मुल्क के नाम पर जानी जाती है। स्टडी वीज़ा की बात करें तो नॉर्वे यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे तालीम बिल्कुल फ्री है। तालीम का मेयार बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो बर्जन, नॉर्वेजियन और UIT इसकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट साथ में शो कर दी है। आप वहाँ पे जाके इसका अप्लाई भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए इसकी बहुत सारी फुल फंडेड स्कॉलरशिप भी हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो FSC में आपके 55% मार्क्स का होना लाजमी है। अगर आप मास्टर का प्लान रखते हैं नॉर्वे के लिए तो आपका 60% BSc में मार्क्स होना लाजमी है। अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो $7,000 आपकी स्टेटमेंट का होना लाजमी है, फिर आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर प्रोसीड होगा। दूसरे नंबर पर जो प्रोग्राम है उसका नाम है स्किल पर्सन। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आप नॉर्वे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से आपको जॉब ऑफर लेटर इशू किया जाएगा, आपने उस एग्रीमेंट को साइन करना है और आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे जो इसका आता है वो है फैमिली प्रीमियम वीज़ा। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह यूरोप के बाकी ममालिक प्रोवाइड कर रहे हैं नोमाद वीज़ा। आप वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। आप ई रेजिडेंसी, जो मैंने वीज़ा पहले आपसे डिस्कस किया, वो परचेज कर सकते हैं। इस तरह आप वहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करें, आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। या आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करें, आपका वीज़ा ज़रूर प्रोसीड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।